30 साल उन्होंने अपनी लाइफ में जो है वो कोमा में बिताए हैं। आई हेट टीयर्स पुष्पे, क्या क्या बोल रहे हैं? हम हंस रहे हैं। हाँ, पुष्पा जी आप रेडी है ना? अच्छी लग रही है। अरे हम तो तैयार हैं, मगर राजेश खन्ना को कौन तैयार करेगा? एक्टिंग कर रहे उनके सामने, संतोष पीछे से काम कर रही है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजेश खन्ना जी का। आइए आइए। एक से एक एक्टर है और ऐसी नौटंकी कर रहे हैं। क्यों नहीं रहे? हम हंस रहे हैं। राजेश खन्ना। अच्छा करो कोशिश। ओके संतोष, सबसे पहले तो ये बताइए किस चीज को लेके क्या कर रहे हैं आप लोग दोनों मिलकर? आप बेसिकली ऐसा हो रहा है कि स्टोरी ऐसी आ रही है कि एक आदमी जो है वो शायरियाँ बहुत लिखते थे और किसी ने उनकी शायरी चुरा ली और अब वो 30 साल से कोमा में है। तो अब जब वो उठे तो वो अपना बदला लेना चाहते हैं और उनको जो है हम ये नहीं रियलाइज़ करवाना चाहते कि 30 साल उन्होंने अपनी लाइफ में जो है वो कोमा में बिताए हैं। तो इसलिए उनके आसपास का जो भी माहौल है वो हम 30 साल पहले का कर रहे हैं, तो वही सब बेसिकली चल रहा है। लोग रेट्रो लुक में हैं, लेकिन आज संतोष रेट्रो लुक में नहीं है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि संतोष जो है उनको टीवी पे दिखाने के लिए पीछे जो पूरा कंप्यूटर्स वम्प्यूटर सब हैंडल करना पड़ता है, लाइव टेलीकास्ट दिखाने के पीछे लगे हुए हैं। तो बाकी सब एक्टिंग कर रहे हैं उनके सामने, संतोष पीछे से काम कर रही है। राजेश खन्ना जी के भी डुप्लीकेट बैठे हैं, एक तरफ पुष्पा जी बैठी हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। सब मतलब एक से एक एक्टर है और ऐसी नौटंकी कर रहे हैं कि हंसी रुक नहीं रही सीन के बीच में। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो इतने अच्छे से प्ले कर रहे हैं, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग।